हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम ही होगा सिंगापुर खुल चुका है इंडियन टूरिस्ट के लिए, लेकिन अभी इंडियन टूरिस्ट को बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। कई डाउट्स हैं उनको जो उनके क्लियर नहीं हो पा रहे, किसी एक जगह से उनको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक प्रयास किया है कि आपको सिंगापुर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल जाए। वीडियो लंबा थोड़ा ज़रूर है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है, और अगर आप सिंगापुर इस सिनारे में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए यह बहुत यूज़फुल होगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, शेयर कीजिएगा और कुछ हो तो कमेंट कीजिएगा। आइए, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई हूँ आप लोग। तो चलो आज बात करते हैं अपन सिंगापुर। अभी क्या सिंगापुर ओपन हुआ है रिसेंटली इंडिया के लिए, लेकिन सिंगापुर के लिए बहुत बवाल है, मतलब काफ़ी डॉक्यूमेंट हैं, ऐसी चीज़ें मांग रहे हैं जो हमने सुनी भी नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा कि सिंगापुर वीज़ा से लेके सिंगापुर इमिग्रेशन क्लियर करके जब तक आप होटल तक पहुँचते हैं, वहाँ तक की पूरी कहानी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो तो लंबी होने वाली है लेकिन पूरी देख लेना, आपके बहुत काम आएंगी और आपके सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में पूरे क्लियर कर दूंगा। तो देखो भाई, कहानी शुरू होती है कि भाई आपके दिमाग में सिंगापुर जाने का आइडिया आया, आपको खुजली हुई, आपने वीज़ा वगैरह की तैयारी शुरू कर दी, यूट्यूब पर आरएनडी मारनी शुरू कर दी। तो देखो, पहले चीज शुरू करते हैं अपन सिंगापुर वीजा के बारे में। सिंगापुर का वीजा ई वीजा है, बहुत आराम से मिल जाएगा आपको, कोई ज्यादा लफड़ेबाजी नहीं है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए? आपको चाहिए सबसे पहले आपका पासपोर्ट जिसकी 6 महीने की वैलिडिटी हो, आपके पास 2 ब्लैंक पेजेस हो। पासपोर्ट के बाद में आपकी कंफर्म रिटर्न टिकट ये बोलते हैं, लेकिन आप डम्मी अगर दोगे तो चल जाएगा, मैंने अपनी डम्मी ही टिकट दी थी, डम्मी मतलब होल्ड वाली। आपकी होटल बुकिंग, आपका 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, मेरे पास लगभग 3.5-4 लाख रुपये का स्टेटमेंट था तो वो चल गया था। वीज़ा आपको 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाता है। पासपोर्ट आपका ओरिजिनल नया वाला, तो पुराना पासपोर्ट है तो भी वो साथ जाएगा ही जाएगा। मेरे केस के अंदर ये VFS में अप्लाई होता है, तो मेरे केस के अंदर मेरे से कोविड सर्टिफिकेट भी मंगाया गया था, वैक्सीन का सर्टिफिकेट मंगाया गया था, तो मैंने वो दिया था और 2 दिन के अंदर मेरे पास वीज़ा लग के आ गया था। मैं यहाँ डाल दूँगा डॉक्यूमेंट्स आपके लिए, फिर से तकरीबन 2100 रुपये फीस है इसके लिए आपको। हाँ, और कोविड का आपका जो इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, इनके जो एम्बेसी की साइड है उस पर लिखा हुआ है कि भी जो भी इंश्योरेंस है कि वो एटलीस्ट 30,000 सिंगापुर डॉलर का रिस्क लेती हो, तो आप आराम से ऐसे ऐसे लोम्बार्ड या कोई भी करवा लीजिए, 700-800 के अंदर आपको ये आराम से मिल जाएगी। तो ये हो गया वीज़ा का प्रोसेस। आपने VFS में वीज़ा के लिए अप्लाई किया, चाहे एजेंट से करो, आपके 2 से 3 दिन में वीज़ा लग के आ गया। चलो भाई, वीज़ा का चैप्टर क्लोज। अब आपने और YouTube पे सर्च मारा तो आपको नए नए वर्ड मिलेंगे, VTP, नॉन VTP, क्वारंटीन, ERT, आइसोलेशन, अराइवल कार्ड, फलाना ढिमकाना। तो भाई कुछ नहीं है, सिर्फ पेपर्स बढ़ाए हैं लोगों ने, एक ही चीज़ को बार बार पूछा गया है। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले VTP पास की। VTP और नॉन VTP दो चीज़ें हैं, तो पहले समझो VTP और नॉन VTP क्या है। VTP का सिंपल है वैक्सीनेटेड ट्रेवल पास, जैसे VTP है वैसे ही VTP फ्लाइट है, नॉन VTP फ्लाइट है। इंडिया में अभी 2-3 फ्लाइट हैं जो VTP कैटेगरी से ऑपरेट हो रही हैं, सिंगापुर एयरलाइंस। अच्छा हाँ, ये भी है
कि सिंगापुर एयरलाइंस के सारी फ्लाइट VTP नहीं है, तो आप थोड़ा देखना सिंगापुर के जो जिस फ्लाइट से मैं ट्रेवल करके आया हूँ वो है सिंगापुर की SQ403, ये VTL फ्लाइट है। और इसके अलावा एयर इंडिया की एक फ़्लाइट है VTL और इंडिगो की एक फ़्लाइट है VTL। तो अच्छा पहले बताऊँ मैं VTL और नॉन VTL है क्या। VTL फ्लाइट का मतलब हुआ कि भाई उस फ्लाइट में जो भी पैसेंजर हैं सारे वैक्सीनेटेड हैं, फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। और जो नॉन VTL फ्लाइट है इसके अंदर मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर सारे नॉन वैक्सीनेटेड होंगे, वो वैक्सीनेटेड भी हो सकता है लेकिन उसको वो एज ए नॉन वैक्सीनेटेड ट्रीट करेंगे। आप नॉन VTL फ्लाइट से अगर ट्रेवल करके पहुँचोगे तो आपको 7 डे का होम क्वारंटाइन या SNH जो है SNH कुछ करके है वो नोटिस में सर्व करना पड़ेगा, स्टे होम नोटिफिकेशन। और भाई बकायदा अगर आपको नोटिस मिला है 7 डेज का तो आप बाहर नहीं जा सकते, वो मैं कहानी बताऊंगा आपको। और अगर आप VTL फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हो तो मतलब है कि उसमें सारे जो पैसेंजर हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, तो आपको उसमें क्वारंटाइन नहीं करना, आप सिंपल इमिग्रेशन क्लियर करेंगे और विद इन 24 आवर्स के अंदर आपका ART टेस्ट होगा और आप फ्री हैं। अच्छा इसमें भी क्या था कि अभी रिसेंटली ये रूल चेंज हुआ है कि मैं जैसे 23 को फ्लाई करके आया हूँ, आज 23 है मैं आज पहुँचा हूँ, 21 से अगर पहले अगर कोई आ रहा था तो उसको कोविड का RT-PCR टेस्ट यहाँ कराना कंपलसरी था जो इंडिया से वो हो रहा था। और उसकी कॉस्टिंग थी $125, $7,500 के आसपास होता है, लेकिन वो उन्होंने 21 फेब के बाद से उसको चेंज कर दिया, उसको उन्होंने कैंसिल करके कन्वर्ट कर दिया ART में। ART की कॉस्ट है $15। अगर किसी ने मान लो उस $125 देके बुक कराया है और 22-23 के बाद में आ रहा है तो उसको वहाँ से उसको रिफंड मिल रहा है $15 ART की कॉस्ट और $3 कुछ सर्विस चार्ज करके बाकी पैसा उसको रिफंड दे रहे हैं वो लोग। तो ये फर्क हो गया आपके VTL और नॉन VTL फ्लाइट के अंदर। तो आप जब भी टिकट बुक कराओ तो यार देखना आप कि जो फ्लाइट है वो VTL कैटेगरी के अंदर हो। बेस्ट फ्लाइट है सिंगापुर एयरलाइंस की SQ403, आप उससे आओ, मस्त फ्लाइट मस्त दबा के खाओ, टेंशन नहीं है। तो आपकी अच्छा अब VTL फ्लाइट से आओगे अगर आप तो आपको VTL पास की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब VTL पास कैसे बनेगा ये मैं इस वीडियो के बाद में आपको बताऊँगा कि VTL पास कैसे बनना है। तो अब बात करते हैं अपन VTL पास की। अब जिसे अगर आपने देखा होगा ना वीडियो में YouTube में देखा होगा VTL पास आप सर्च कर रहे हो, इसमें भी यार कई ज्ञानी है, मतलब कई ज्ञानी है जिन्होंने इतना ज्ञान फैलाया ना इसमें पूछो मत। तो मैं आपको अपना केस बताता हूँ। मैंने 2 बार VTL पास के लिए अप्लाई किया था, ऑनलाइन अप्लाई होता है, कहीं जाना नहीं है आपने। तो बस इसमें एक ही प्रॉब्लम सबको आ रही है, वो है कि जो कुछ इंडियंस और कुछ UK के जो वैक्सीन सर्टिफिकेट्स हैं उनका बार कोड ढंग से अपलोड नहीं होता। इंडिया वाले में तो मोस्टली प्रॉब्लम है ही। तो हालांकि वेबसाइट ने भी नीचे दिया हुआ है जब अपलोड दिखाओगे अभी कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपलोड कर दीजिए। तो भाई के ज्ञान ने बोला कि हमने क्रैक कर दिया उसको, हमने सॉल्व कर दिया। भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुमने कोई तीर नहीं मारा। अब मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने जब पहली बार VTL पास के अप्लाई किया था एक होटल के लिए, वो होटल नाम था KNN हॉस्टल, तो मैंने जब अपलोड किया वैक्सीन सर्टिफिकेट वो मेरे PDF फॉर्मेट में था, 1 MB से नीचे सिंगल शॉट में अपलोड हो गया था। लेकिन कोई प्रॉब्लम की वजह से वो KNN हॉस्टल मुझे कैसे करना पड़ा। उसके बाद मैंने सेकेंड VTL अप्लाई किया था। सेकेंड VTL अप्लाई करने जब मैंने किया तो मैंने सेम वो PDF डाला, मना कर दिया। मैंने स्क्रीनशॉट लेकर डाला, मना कर दिया। मैंने इन ज्ञानी लोगों का वीडियो देखा, जो उन्होंने प्रोसेस बताए, मना कर दिया। वो पूरा दिन मैं लगभग 100 बार अपलोड किया लेकिन अपलोड नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7:30-7:15 अपलोड किया होगा, फोटो लेके उसका स्क्रीनशॉट लेके सिंगल शॉट में अपलोड हो गया। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है,
ट्राई करते रहो। अब मेरे केस में मैं अगर बोलूँ क्रैक कर दिया, तो मैं बोलता हूँ आप 7-7:30 बजे अपलोड करो, मैंने भी क्रैक कर दिया। भाई ऐसा नहीं है, टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मेल मत डालना उनको, मैंने भी इनकी जो सेफ ट्रैवल एक गवर्नमेंट साइट है वहाँ मेल डाला, साला कोई जवाब नहीं आया, जवाब देते ही नहीं है लोग ये। तो अब VTL आपको कैसे अप्लाई करना है, मैं अभी इस वीडियो के बाद में आपको ऑनलाइन प्रैक्टिकल दिखा दूंगा कैसे VTL आपको अप्लाई करना है। तो देखिए, VTL अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में आकर या तो डायरेक्ट ये लिख लीजिए सेफ ट्रैवल, या गूगल में आप टाइप करके इस पहले पेज पर आ जाएंगे। ये है इसका मेन पेज, स्किप करना नहीं करना है। तो देखिए ये है आपका मेन VTP पास अप्लाई करने के लिए। ये बोला कोई जल्दी नहीं है, आपको एक दिन में अनलिमिटेड VTP मिलेगा, तो वो टेंशन नहीं करना, आप आराम से लीजिए, बाकी अरे कहानी पढ़ लेना, ठीक है। हमें न्यू करना है, न्यू। अब यहाँ हमें ईमेल और कैप्चा डालकर अपने को वेरीफाई करना है। ये हमें भेजेगा वेरीफिकेशन मेल, भेज के देखो। चल भाई, तो ये है। अब हमें VTL लेना है भाई एयर के लिए, भाई फ्लाइट, हम VTL फ्लाइट से ट्रेवल करेंगे। तीन तरह के मिलते हैं, सी वाला में नहीं मिलेगा, फिशरमैन को मिलता है, लैंड का नहीं आइडिया मेरे को। VTL फ्लाइट के थ्रू हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम लोग भाई एयर लेंगे इंडिया। अब हम किस तारीख को पहुंचने वाले हैं सिंगापुर, ठीक है, ये डमी डाटा है। कौन सा है, शॉर्ट टर्म वीज़ा है प्रवास में, और भी ये सब डाटा फेक है, इसको आप मत देखना। ये नहीं लगा यार, 3 पासपोर्ट एक्सपायरी, इसमें नहीं करना, भी नहीं आया भाई। डेट ऑफ बर्थ आप कुछ भी डाल दीजिए जो अपनी है। चलिए, हाँ, ये इसी वजह से मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ा था। अगर मान लो आप पॉजिटिव या कुछ होते हैं तो कहाँ रहेंगे, इसके लिए आपको जनरली होटल में ही रहेंगे, और कुछ भी जैसे मैं अपना ले लेता हूँ। उसका एग्जैक्ट पिन कोड यही रहेगा, वो अब पूछ रहा कि अभी अगर आपके पास में जो वैक्सीन है वो सिंगापुर में लगा हुआ है या नहीं, नहीं है। डोजेज कितनी लगी है, इंडिया का लगा हुआ है, और दो किस गांव में, बस एक कोड है, बस ये यहाँ जो है ना यही दिक्कत आ रही है मेन, ये जन नहीं लेता, आज भी नहीं लिया,
बस ये आते रहेगा इसमें बाकी ना। अभी देखिए बंदे ने मैच कर लिया कि मैंने पासवर्ड नंबर अलर्ट डाला है मैंने, तो मतलब ये हो जाएगा अगर पासवर्ड नंबर सही डालूँ मैं तो ये ले लेगा, यहाँ ले लेगा ये, तो मैं कर लेता हूँ। ये ले लिया देखिए, स्क्रीनशॉट का कोई चक्कर नहीं है, हो गया ना। पहले स्क्रीनशॉट चटका और ये चटका हुआ, हालांकि लिखा है सुने, ये लिखा है उसने, अपना हो चुका है ये, उसको आप सेव करो और सबमिट करो। भैया ये सी करना पड़ेगा और कुछ इलाज है नहीं इसमें। ये देखो ये आ चुका कंफर्मेशन, मैं प्रोसीड किया और मेल चेक करोगे मेल आ चुका होगा। ये आ चुका मी, ये है हमारा VTL पास। ये अब देखो इसमें साफ लिखा है दिस VTL इज वैलिड फॉर अ सिंगल एंट्री इनटू सिंगापुर एनी टाइम, इसके बीच आप सिंगल और आ सकते हो, ठीक है। इसको आपको प्रिंट निकाल के इसका साथ में कैरी करना है। VTL आप अप्लाई किया आपने सबमिट करने के साथ आपको विद इन अ मिनट आपके पास में इसका प्रूफ लेटर आ जाएगा। VTL ध्यान रखना आपका पास जो आपको वीजा मिला है वो आपको मिला है मल्टीपल एंट्री, लेकिन जो VTL पास है वो आपका सिंगल एंट्री रहेगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपको वीजा मिला है 2 मंथ्स का या 3 मंथ्स का मल्टीपल एंट्री, आप सिंगापुर आए, आपके पास सिंगल एंट्री का VTL है, आप सिंगापुर आए, आप सिंगापुर से मान लो दुबई, सिंगापुर से मान लो आप सिंगापुर आए, सिंगापुर से आप मलेशिया या थाईलैंड या इंडोनेशिया जाके वापस आते हैं, तो उस VTL पे आप सिंगापुर में एंट्री नहीं कर पाएंगे, आपको दोबारा दूसरा VTL लेना पड़ेगा, उस VTL पे आपको एंट्री मिलेगी। तो VTL आपका सिंगल एंट्री रहेगा, जो ड्यूरेशन रहेगा उस ड्यूरेशन के हिसाब से काम करेगा। VTL बन गया। VTL के बाद में दूसरी चीज़ आपको मांगेंगे, ये लोग मांगेंगे SG अराइवल कार्ड। SG अराइवल कार्ड आपकी जो डेट अराइवल डेट है उससे 3 दिन पहले बनेगा। जैसे आप मैं केस में, जैसे मैं 23 फेब को मैं मुझे जयपुर सिंगापुर लैंड करना था, तो मेरा जो SG कार्ड अप्लाई करने की डेट आई थी वो आई थी 21, 22 और 23। 21 को मैंने अराइवल कार्ड अप्लाई किया, वो भी 2 मिनट के अंदर आ गया था। सेम चीज़ उसके अंदर थी, इसके अंदर एक चीज़ थी भाई कि मैं लास्ट 7 डेज के अंदर इंडिया से बाहर कहीं नहीं गया, बाकी कौन से होटल में मैं स्टे कर रहा हूँ, और सेम चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा इसके फोटो। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको SG अराइवल कार्ड कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए इसकी वेबसाइट ये है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। सिंपल यहाँ आना है, चॉइस से मेंटेनेंस मारी है, चलो हमें यहाँ करना है फॉरेन विजिटर्स इंडिविजुअल सबमिशन, ये है सारा जहाँ पे इन्फॉर्मेशन भरनी है।
है अब कहा, बस वो सेम चीज़ है जो अलग 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 हिसाब से पूछ रहे हैं। यहाँ पे मैच नहीं किया, अल्लाह भाई मैच कर ले, मैच नहीं किया, क्या रहेगा भाई। अब ये ध्यान रखना, आप तीन ले सकते हैं और तीन दिन के अंदर अंदर ही आपको ये अप्लाई करना है। मोड ऑफ ट्रेवल एयर कब आएंगे आप देखिए, मैं 25 को कर रहा हूँ, 26 शुरू होगा, 25 तो कर लेते हैं। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा बाद में। कैसे आएंगे कमर्शियल वर्क से सिंगापुर, ये VTL फ्लाइट है अपनी, और कहाँ आपने रुकना है सेम। अगर इसमें नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अदर डाल के इसमें। हाँ, हमें इंडिया करना है, टाइप करने से नहीं आएगा, ये ढूंढना ही पड़ेगा हमसे जाके, और वापस यहीं जाएंगे। डिपार्चर, ये डिपार्चर नहीं है ना है, बस यहाँ जाना है। नोप नोप, अगर रिसल्ट लेकर आप हो रहे हैं, यस, लेकिन आपको यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है, जब आराम से बाद में कर सकते हैं। बस इसको क्या है, अब लास्ट कहाँ गए, इसमें आपने लिया कर दीजिए, बस हो गया, डेट सेट प्रीव्यू आ गया, और इसका सबमिट किया। सबमिट करने के लगभग, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, सबमिट करने के बाद में लगभग ये मान लो 10-15 मिनट के अंदर ऐसा आ जाएगा नो रिप्लाई, ये वाला ऐसे, और ये आपका अराइवल कार्ड आ गया। ये अराइवल कार्ड, इसको प्रिंट निकाल के आपको लेके जाना है। तो मेन ये दो बड़ी रिक्वायरमेंट है, VTL पास और एजी अराइवल कार्ड वीज़ा और कोविड के बाद में। सेम चारों सारे लिंक्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसके। आपके पास ATL VTL आ गया, आपका अराइवल कार्ड आ गया, इसके अलावा इंश्योरेंस आपके पास में है। आपको दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपको 48 आवर्स के अंदर आपको आपकी PCR नेगेटिव टेस्ट लेके जाना है। यहाँ गलती मत कीजिएगा, 48 आवर्स आपके सिंगापुर लैंड होने तक के गिनते हैं। मेरे साथ कई सीनियर बंदे थे, सीनियर सिटीजन थे, जिन्होंने आपसे थोड़ा पहले करवा लिया, लेकिन यहाँ आने बाद तो फंस गए, वो उन्होंने उनको अलाउ ही नहीं किया बोर्ड करने के लिए। तो थोड़ा देख लो कि भाई आप उस हिसाब से करवाए कि भी आप सिंगापुर पहुँच रहे हैं तब तक आपको 48 आवर्स हो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो भाई अब अपन सामान सामान लेके अपन पहुंचे दिल्ली, सिंगापुर लैंड से पहुंच के अपन पहुंच गए सिंगापुर। मेरे केस में यहाँ मुझे कुछ भी नहीं मांगा गया, मैं फ्लाइट से निकला, कहीं कुछ भी नहीं मांगा। एक उन्होंने जरूर मैं गोल्ड स्टिकर सा लगा दिया था, क्यों लगाया मुझे पता नहीं, बाकी हो सकता था VTL का कुछ होगा, बाकी कुछ नहीं मांगा। इमिग्रेशन काउंटर पे मैं गया, उन्होंने भी मेरे से सिर्फ मेरा वीज़ा, मेरा पासपोर्ट मांगा और कुछ नहीं मांगा। पासपोर्ट जैसे उस बंदे ने स्कैन किया,
मेरे सारे जो फॉर्म्स मैंने फिलअप कर रखे थे वो मेरे सामने आ गए, मेरा एस जी अराइवल कार्ड, मेरा VTL पास और जो डिक्लेरेशन थे सब वो आ चुके थे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ मैं से दो क्वेश्चन पूछे, आर यू वर्किंग हियर? मैंने कहा नहीं, मैं टूरिस्ट वीज़ा पे हूँ, सिर्फ ट्रेवल हूँ। आप कहाँ ठहरेंगे? तो बताया मैंने बैकपैक इन चाइनाटाउन में ठहरूँगा। उसके बाद उन्होंने मुझे एक ये बस पैम्पलेट सा पकड़ा दिया, ये शायद ARTC का है, ये मैं फ़ोटो डाल दूंगा यहाँ पे। तो बस इसमें ये है, उन्होंने रूल चेंज किया है कि आप जब भी सिंगापुर लैंड करेंगे, अगर आप VTL के थ्रू आ रहे हैं, तो आपको विद इन 24 आवर्स आपको एक ARTC टेस्ट करवाना पड़ेगा। यहाँ ARTC टेस्ट दो सेंटर में हो रहे हैं, एक का नाम है QTC जिसको बोलते हैं क्विक टेस्ट सेंटर, और एक है CTC कंबाइंड टेस्ट सेंटर। मैंने QTC में कराया था। QTC में क्या रहेगा कि जो नर्स या डॉक्टर रहेगा वो आपकी हेल्प करेगा आपको खुद का टेस्ट करने के लिए, मतलब खुद नाक में डंडा डालो, घुमाओ, वो सब बताएगा। और भाई यहाँ लिटरली जान प्राण निकाल देंगे यार, वो डाल के नाक में 5 बार इधर, 5 बार इधर, आंखों में इतने लंबे लंबे आंसू और छिंके पे छिंके। मैंने इंडिया में इतनी बार कराया, लिटरली इतना खतरनाक नहीं करते यार। और यार देखो यार, इंडिया से मैं करवा के आया था, 48 आवर्स पहले मैं नेगेटिव था, यहाँ पहुँचा पॉजिटिव हो गया। तो मैं कुछ कह नहीं रहा कि आप समझ जाओ खुद। तो इसका जो QTC का रिजल्ट है वो 15 मिनट्स में आ जाता है। खैर, अब एयरपोर्ट पहुँच गया, उन्होंने मुझे पन्ना पकड़ा दिया, संभाल में फ्री। अब यहाँ क्या सीन है कि अगर आप VTL के थ्रू आ रहे हैं ना, तो आपको कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करना है यहाँ पे। आप सिंपल एयरपोर्ट से टैक्सी कीजिए, अपने होटल या जहाँ आपको आना है वहाँ आ जाइए, अपना टेस्ट ARTC करवाइए, और एक बार आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाए आप फ्री हैं, ये इनका प्रोटोकॉल है। तो अमेरिका से मैं पहुँचा यहाँ पे, मैंने होटल के लिए बाहर से नहीं, उसके बाद मैं इमिग्रेशन से बाहर आया, लगेज लिया और सिम के लिए मैं भटका। भाई साहब सिम एयरपोर्ट पे मिल रहा था मुझे M1 का 50 सिंगापुर डॉलर, मैंने नहीं लिया। सुबह मैंने वहाँ से ऑटो टैक्सी पकड़ा, उसने मुझे छोड़ा, लगभग 20 किलोमीटर है बैकपैक इन चाइनाटाउन में एयरपोर्ट से। तो मेरे मुझे लगा 27.70 सिंगापुर डॉलर। भाई साहब ये बैकपैक इन वाले इतने कमीने नालायक, मतलब क्या मैं दूँ गालियाँ यार, लिटरली वाहियात, एकदम वाहियात लोग हैं। मैं पहुँचा 7:30 बजे के आसपास, मैंने उनको मेल डाला था कि भाई मेरा लैंडिंग टाइम इस टाइम है और लगभग मैं 8 बजे तक होटल आ जाऊँगा। इनका हालांकि जो चेक इन टाइम है 2 बजे है वो, लेकिन उन्होंने बोला था आप स्पेशल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इन बंदों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया मेरे मेल का। मैं यहाँ पहुँच गया, सिंपल मुझे मना कर दिया कि आप अंदर नहीं आ सकते, 2 बजे आपका टाइम है, आप 1 बजे आइए। मैंने बोला ठीक है यार, अब जल्दी आ गया तो आप मुझे अर्ली चेक इन दे दीजिए, आपका जो चार्ज है वो ले लो, क्या नहीं रूम खाली नहीं है करके। तो मैंने रिक्वेस्ट किया भाई लगेज तो अंदर रख ले, कहाँ ले लो घूमूंगा, बोले ओके। उन्होंने लगेज अंदर रख लिया, तो मुझे बाहर जाने को बोल दिया। अब मैं 8 बजे बाहर घूमता रहा, इधर उधर, पास में मंदिर था वहाँ चला गया, कुछ और मिला नहीं। जब मैं दिल्ली से रवाना हुआ था तो मैंने QTC का पहले अपॉइंटमेंट ले रखा था टेस्ट के लिए, पास में ही है जॉर्ज रोड पे। तो 10 बजे टाइम था, जैसे जैसे मैं 2-3 घंटे निकाले और मैं अपना वहाँ QTC पहुँचा, QTC में नंबर आया मेरा, $15 लगा मेरा QTC का, उन्होंने नाक में घुमवाया और 10 मिनट मुझे लगा कि आप नेगेटिव हो। बंदा खुश, अपन भैया गाने गाते गाते बाहर आ गए। साला रोड क्रॉस भी नहीं किया होगा कि वहाँ से मेरे पास दोबारा फ़ोन आ गया डॉक्टर का कि यार नहीं आप पॉजिटिव हो, यार क्या मजाक है। मैंने खून देखा कि भाई एक सिंगल लाइन थी नेगेटिव है, मेरे पास फोटो है कि नहीं। थोड़ी देर बाद में बहुत लाइट सी पर्पल लाइन भी आई है, तो शायद आप पोस्ट कोविड आप हैं। सारा होश उड़ गया, मतलब क्या करना कि आपको 7 डेज का क्वारंटीन फेस करना पड़ेगा। ले आ भाई ठीक है भाई, अब ऑप्शन तो कुछ था नहीं। फिर मेरे पास मैसेज आया MOH का, शायद ऑटो जनरेट मैसेज होता है, तो उन्होंने बोला नहीं अगर आप फीलिंग सही है या फीलिंग वेल, तो आपको 3 दिन 72 आवर्स का आपको क्वारंटीन फेस करना है, क्वारंटीन मतलब सेल्फ आइसोलेशन रहना है। 3 दिन के बाद में आपका
फिर से ARTA करना है। ARTA अगर नेगेटिव आता है यू आर फ्री टू मूव, और अगर आपने पॉजिटिव आते हो फिर तो आपका डेली आपका ARTA रहेगा जब तक आप नेगेटिव नहीं आ जाते हैं। जैसे आपका तोते लाल हो गया अपना, तो ऐसा निकल के कुर्ता बाहर आ गया गला, ठीक है। अब मैं आया वापस अपने बैकपैक होटल, साले कमीने नालायक, मैंने आके उनको सच बोला भी ऐसी सी बात है मेरा ARTA हुआ था और आई गॉट पॉजिटिव। उन्होंने बंदे ने वो मैडम कुछ नहीं बोली, अंदर गई मेरा लगेज उठा के बाहर रख दिया और रूम बंद कर लिया, गेट बंद कर लिया। सॉरी हम पॉजिटिव गैस को अलाउ नहीं करते। मैं क्या अब कहाँ जाऊँगा, मेरी बुकिंग है। क्या सॉरी अब उस होटल देखो, तो भाई अब देख लेना इस होटल का तो आप आओ। उसके बाद मैं रोड पे गई, दो घंटे गूगल पे सर्च मारता रहा, कोई मैंने 10 जगह फ़ोन किए लेकिन पॉजिटिव वालों को कोई नहीं ले रहे। लास्ट में मुझे एक होटल मिला, उसका नाम था स्ट्रैंड होटल, चाइना टाउन के अंदर है भाई, सबका बाप। इस मंजिल ने तो दुकान लगा रखी है पूरा पैकेज का। तो उसको फ़ोन किया मैंने, बड़ा क्वेश्चन वोशन करने बाद बोला ठीक है आप आ जाओ। आया, 3 दिन का मैंने यहाँ से उनको नाइट मांगा, $200 ईच नाइट, 600 सिंगापुर डॉलर ये हो गए, $200 क्लीनिंग के कमरा। भैया 10,000 रुपये का क्या क्लीन करवाएगा भाई, देना देना है। इसके बाद में $150 एज ए सिक्योरिटी जो रिफंडेबल है। तो भाई 3 दिन का मुझे पड़ा ये $800 का चपत। उसके बाद में कमरे से बाहर नहीं जा सकता। 3 दिन बाद में मुझे ही खुद ऑनलाइन ऑर्डर करके ARTA मंगवानी है। इनका बंदा आएगा, टेस्ट करेगा, अगर मैं नेगेटिव हुआ तो फोटो अपलोड करेगा, उसके बाद आई एम फ्री टू मूव। तो भाई ये है यहाँ का कहानी। हालांकि चलो ठीक है, होटल रूम ठीक ठाक है, अच्छा रूम है। इसके अंदर मुझे इन्होंने 2 मील एक ब्रेकफास्ट ये दिया है। खाना नॉनवेज सही है, फिश ऑयल में खाता नहीं लेकिन वही है, मैं दिखाता हूँ फोटो आपको इसका। तो भाई आप कुल मिला के 3 दिन निकाल लें, उसमें कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। अच्छा अब रही बात फोन की, फोन आप सिम कार्ड एयरपोर्ट से मत लीजिए, बहुत महंगा है। यहाँ M1 एक कंपनी है जिसका अच्छा मानते हैं, वो M1 कंपनी का जो सिम कार्ड है मुझे एयरपोर्ट पे $50 का मिल रहा था, जो सेम सिम कार्ड मैंने 7-Eleven से लिया था। इसके लिए आपको सेल्फ रजिस्टर करना पड़ेगा, एक ये ऐसा है, ये देखिए, ये आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, यह बार कोड आप स्कैन करेंगे पेज खुल जाएगा। इसके बाद ये सिम कार्ड है, ये आप देख पा रहे हैं, शायद फोकस आउट हो रहा बार बार इसका। अब इसमें आपको मोबाइल नंबर और नीचे नंबर आप डालेंगे, सिंपल रजिस्टर का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद आपको सिम डालना है और आपका ये सिम एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैंने M1 का सिम लिया, ये मुझे पड़ा तकरीबन $12 और इसमें मुझे मिला है 500 GB फॉर 7 डेज। तो आई थिंक बेस्ट डील है, अगर मैं एयरपोर्ट पर ले लिया होता तो भाई चपत लग जाती। करेंसी भी आप एयरपोर्ट पर एक्सचेंज करवाइए, कोशिश कीजिए आप विड्रॉल कर लें। फॉरेक्स कार्ड मैं यूज़ करता हूँ, तो हालांकि कोई वीडियो स्पॉन्सर किसी का भी नहीं है, तो नियो ग्लोबल कार्ड मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन उसका यार ये है ना कि उसका $8 चार्ज हर बार कट रहा है मेरा, तो बेटर आप कैश कैरी करें सबसे बढ़िया है। तो ये कहानी थी भाई आपका वीज़ा लगने से लेके आप होटल तक, ये कहानी है। तो फाइनली मैं अब अपने होटल में हूँ और वीडियो शूट कर रहा हूँ। दुआ करो डे 3rd में नेगेटिव आ जाऊँ और आपको सिंगापुर से घुमा पाऊँ। और कुछ हो तो भाई कमेंट कर देना, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में हैं। वही लाइक सब्सक्राइब शेयर, ओके।